गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर सिमेट्री और जेड पैरामीटर के लिए। ओके, तो अभी हम इस लेक्चर में जेड पैरामीटर के लिए कंडीशन ऑफ सिमेट्री एंड वाई पैरामीटर के लिए कंडीशन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। ओके, तो अगर हमें जेड पैरामीटर की सिमेट्री पता चल गई तो उसका इनवर्स हम जिस तरीके से लिखते थे, ओके, तो हम डायरेक्ट अगर हमें जेड मिल जाएगा तो उसके उससे पैरामीटर से डायरेक्ट हम इन्वर्स करके वाई पैरामीटर की भी हम सिमेट्री फाइंड कर लेंगे। ओके, तो सिमेट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जेड पैरामीटर की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो जेड पैरामीटर की इक्वेशन मैंने बताई है, तो अभी बताई हमने पहले भी थी, तो अभी लिख भी लेते हैं जेड पैरामीटर की इक्वेशन। वी वन इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू। ये इक्वेशन पहली फर्स्ट हो गई। ओके, और सेकंड इक्वेशन बी टू इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू। ओके, ये इक्वेशन हमें पहले से पता है। ठीक, अब क्या है कि हमने सिमेट्री की कंडीशन डिस्कस की थी। ओके, तो उसमें हमने बताया था किस तरीके से सिमेट्री अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से इनपुट साइड में वोल्टेज सोर्स लगा के आउटपुट साइड को ओपन करके, ठीक है, और एक्साइटेशन और रिस्पांस का रेशियो निकालते हैं। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे पहला बना लेते हैं, ये एक नेटवर्क है। ओके, और टू पोर्ट नेटवर्क है, ये चार टर्मिनल इसके हैं। ओके, अभी क्या है कि वी वन वोल्टेज है, उसकी वजह से क्या है, I1 करंट इसमें जा रही है। ओके, और यहाँ पे है V2, इसके वजह से इसमें जा रही है I2। ये हमने पहले भी बनाया था सिमेट्री जब हमने फाइंड करनी थी, तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया था कि एक बार इनपुट साइड पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ओके, वी एस का, और उसके वजह से करंट जा रही है और आउटपुट साइड ओपन कर देंगे, मतलब करंट उसकी ज़ीरो कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमने आई टू को ज़ीरो कर दिया है और वी वन, ये वी वन के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है, वी वन का मतलब क्या हुआ, वी एस ही हुआ, क्योंकि वी वन जितना है उतना ही वी एस है, दोनों के पोटेंशियल सेम है। ओके, इसलिए वी वन और वी एस सेम है। अब कंडीशंस क्या रहेगी, वी वन इक्वल टू हम वी एस लिख सकते हैं ना, और आई टू इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर है। ये बस चीज़ें हमने वी वन के साथ में यहाँ पैरेलल में उसके वी एस लगाया था और आई टू को ज़ीरो किया था, हमने सिमेट्री में बताया था सिमेट्री फाइंड करने के लिए इस ये ऐसे प्रोसीजर करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, ये वी वन इक्वल टू वी एस और आई टू इक्वल टू ज़ीरो हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन के अंदर फर्स्ट में। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, वी वन इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू। अब हम यहाँ पे वी वन इक्वल टू वी एस पुट करेंगे और आई टू इक्वल टू ज़ीरो, वी वन की जगह हम
वी एस पुट करेंगे, ओके, और आई टू की जगह हम ज़ीरो, आई टू की जगह ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, ओके। अब यहाँ पे जेड वन वन हमारे पास क्या आ रहा है, जेड वन वन हमारे पास आ रहा है वी एस बाई आई टू, सॉरी आई वन है ये ना, ये आई वन है, वी एस अपॉन आई वन, ओके। इसको हम इक्वेशन कुछ अल्फा कह देंगे, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम एक बार ये जो एक्साइटेशन है उसको इस तरफ लगाएंगे, ओके, और इस टर्मिनल को ओपन करेंगे, उसके वजह से एक्साइटेशन रिस्पॉन्स का रेशियो निकालेंगे, जैसे हम सिमेट्री में पहले निकाले थे, ओके। तो एक बार हम यहाँ पे भी एक नेटवर्क बनाएंगे, इसके टर्मिनल है, ओके, यहाँ पे वी वन है और उसके वजह से करंट आई वन है, यहाँ पे कितना है वोल्टेज वी टू है, उसके वजह से करंट है आई टू, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अभी हमने एक्साइटेशन इस तरफ लगाया था, अब एक्साइटेशन को हम चेंज करके इस तरफ लगा देंगे, वी एस, ओके। इसके वजह से ये करंट अब होगी, और वी टू और वी एस इक्वल होंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हैं, वी टू इक्वल टू वी एस, और आई वन इक्वल टू ज़ीरो, हमें इस साइड का टर्मिनल को ओपन करना है, मतलब आई वन इक्वल टू ज़ीरो करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि वी टू इक्वल टू वी एस ये कंडीशन और आई वन इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें इक्वेशन नंबर टू में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर जो टू है इसमें हम पुट करेंगे, इक्वेशन टू हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन टू हमारी क्या थी, वी टू इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू, ओके। अब क्या है कि वी टू इक्वल टू हम क्या करेंगे, वी एस रखेंगे, वी टू की जगह वी एस, आई वन की जगह ज़ीरो करेंगे, आई वन की जगह ज़ीरो प्लस जेड टू टू, ओके, और आई टू। अब यहाँ से हम जेड टू टू अगर फाइंड करें, जेड टू टू कितना आएगा, वी एस बाई आई टू, ये इक्वेशन को हमने मान लिया बीटा, क्लियर है। अब क्या है, फॉर सिमेट्री और सिमेट्री वी एस अपॉन आई वन, इसका जो रेशियो होता था, ठीक है, एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स, एक बार जब इनपुट साइड में एक्साइटेशन लगाया उसकी वजह से रिस्पॉन्स का रेशियो, एक बार जब आउटपुट पे लगाया एक्साइटेशन उसकी वजह से रिस्पॉन्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए सिमेट्री के लिए, तो वी एस अपॉन I2 इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए सिमेट्री के लिए, ओके। और कंडीशन इसकी क्या है, I2 यहाँ पे ज़ीरो, व्हेन I2 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, व्हेन I1 इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो अब वी एस अपॉन आई वन एक्चुअली है क्या, जेड वन वन है, और वी एस अपॉन आई टू एक्चुअली क्या है,
Z22 है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड बीटा Z11 इक्वल टू Z22। ये हमारी क्या है, सिमेट्री की कंडीशन है जब हमारा जेड पैरामीटर हो, क्लियर है। जेड पैरामीटर में सिमेट्री की कंडीशन क्या होगी, Z11 इक्वल टू Z22, क्लियर है। अब इसी से हम वाई का भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी जेड अगर हमें मिल जाता है तो उसी का मैट्रिक्स का इन्वर्स कर देते हैं तो हमें वाई पैरामीटर भी मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम वाई पैरामीटर भी फाइंड करेंगे। तो अब वाई पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमने बताया था Z11 इक्वल टू क्या होता है, Z11 इक्वल टू होता है Y22 अपॉन Y डिटर्मिनेंट, ओके। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, Z और Y को जब हम उसमें रिलेशनशिप ZY में पैरामीटर में निकाल रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ देखी थी। जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लें, ओके। और उसके बाद Z22 के लिए क्या कंडीशन आई थी, Y11 अपॉन ओके Y डिटर्मिनेंट, क्लियर है। तो अब क्या है कि इस कंडीशन में ये दोनों का रेशियो जो है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। Z11 इक्वल टू Z22, ये Z पैरामीटर की कंडीशन में है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ, Z11 Z22 इक्वल है, मतलब ये और ये भी तो इक्वल होंगे, ओके। तो और इन दोनों को इक्वल करते हैं हम Y22 अपॉन और Y11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Y, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ Y कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y11 इक्वल टू Y22, ओके। मतलब जो Z पैरामीटर के लिए सिमेट्री आया Z11 इक्वल टू Z22, वैसा ही Y पैरामीटर के लिए भी आया Y11 इक्वल टू Y22, क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, और ये हमें बस कंडीशन और सिमेट्री की ये ध्यान रखनी है हमें। एक तो जो पैरामीटर की सिमेट्री निकालनी है उसकी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, और उसके बाद हमें जो नेटवर्क है, ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स नेटवर्क है, उसमें बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। जिसमें क्या है कि जिस तरफ एक्साइटेशन लगाएंगे उसके अपोजिट साइड का जो टर्मिनल होगा उसको ओपन करेंगे, मतलब उसकी करंट को ज़ीरो करेंगे। एक बार इस तरीके से एक्साइटेशन रिस्पॉन्स निकालेंगे, एक बार इसी एक्साइटेशन को इस टर्मिनल पे लगा के इस टर्मिनल को ओपन कर देंगे, ओके। और इधर से एक्साइटेशन रिस्पॉन्स का रेशियो निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। जो इक्वल आएगा वही हमारी कंडीशन हो जाएगी सिमेट्री की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। अभी ये हम सिमेट्री की कंडीशन डिस्कस किए हैं, अब रेसिप्रोसिटी की कंडीशन डिस्कस करेंगे। हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी पढ़ रखा है, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम रेसिप्रोसिटी की कंडीशन निकालते हैं, फाइंड करते हैं, ओके। फिर आगे उसी पे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।